आगरा में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले ठेल ढकेल वाले अब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। उनके लिए अब 14 नए वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी के निर्देश पर डूडा विभाग ने नए वेंडिंग जोन की सूची भी तैयार कर ली है। आगरा स्मार्ट हो रहा है। आगरा की सड़कों पर लगने वाले जाम और आगरा की छवि को लगने वाले बट्टे से बचाने के लिए वेंडिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जहां स्ट्रीट वेंडर व्यवस्थित किए जाएंगे। परियोजना अधिकारी मुनीश राज और उनकी टीम ने 14 नए वेंडिंग जोन विकसित किए हैं। नए वेंडिंग जोन के लिए मैडम ने कुछ दिनों पूर्व भी नए वेंडिंग जोन के लिए सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पोस्ट ऑफिस के पीछे गाड़ी मरम्मत करने वाले जो रोड है, जो प्रतापपुरा से जाती है चर्च के सामने, उस स्थल पर चनागन किया गया, जिसमें लगभग 30 वेंडर से स्थान उपलब्ध है, उनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, वहाँ पर वो शिफ्ट हो भी गए हैं। दूसरा, मधुनगर चौराहे से पहले काफ़ी फल सब्जी वाले खड़े होते हैं, उनके लिए भी स्थान निर्धारित किया गया है और ऐसे स्थलों का चयन किया गया है जहाँ पर यातायात भी अवरुद्ध ना हो और उन लोगों को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, तो वेंडर्स वहाँ पर अपनी ठेल और लगे लगाएंगे। कालिंदी विहार सौफुटा रोड पर अहमदौला के पास कब्रिस्तान वाली बाहर जगह का चिन्हांकन किया गया। दुनियाही पुलिस चौकी के बराबर में काफ़ी जगह पड़ी हुई है, उसको भी 300 वेंडर्स के लिए चिन्हांकित किया गया है। इसके अलावा अवधपुरी अलमुतिया जाने वाले रोड पर बिजपुरी रेलवे फाटक के पास में जो ओरला के लिए रोड जाती है, वहाँ पर भी काफ़ी स्थान उपलब्ध है उसको, और मेहताबाग से रेलवे कॉलोनी की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ पर भी लगभग 80 वेंडर्स से तो पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जिनको नए वेंडिंग जोन के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ आगरा की 10 प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ही सड़कों पर अतिक्रमण और बेतरतीब तरीके से खड़े स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित करने के लिए पीओ डूडा को मौके पर तलब कर नए वेंडिंग जोन विकसित करने के लिए आदेशित किया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए डूडा विभाग ने 14 वेंडिंग जोन चिन्हित किए हैं। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।